क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल एबीसी में सी जो है जो अधिकोण है, और क्या करें बीडी जो है ये सी के बढ़े हुए भाग पर लंब है, तो एबी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी। तो सबसे पहले एबीसी एक ट्रायंगल दिया, तो एबीसी एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ए बी सी, अब ध्यान से देखिए, अब क्या कह रहे हैं बी डी जो ए सी के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है, किस पर लंब है? एस, तो ए से सी कर रहा है, ठीक है, तो ए से सी इसको बढ़ा देते हैं। ये 90 डिग्री के एंगल बना रहा है, ठीक है, क्योंकि इस पर लंब है। तो मैं क्या प्रूफ करें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू सी ए इंटू सी डी, ठीक है। तो आपको हमने मैंने बताया कि पाइथागोरस थ्योरम के का जब भी क्वेश्चन कीजिए, तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं? दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन? एक ये बन जाएगा डी बी सी और एक क्या बन जाएगा डी बी ए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल डी बी ए, ठीक है, तो ट्रायंगल डी बी ए में, तो ट्रायंगल डी बी ए में चलेंगे डी बी ए में, तो क्या हो जाएगा, ये 90 है ना, तो इसका ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ए बी स्क्वायर और क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इक्वेशन से मान लेता, ठीक है। अब ये मत सोचिए यहां से देखने में तो ए बी से ज्यादा बड़ा ए डी है, हाइपोटेनस ए हो जाएगा, ये हैंड मेड फिगर है, ठीक है, तो ये कहीं ज्यादा कभी कम हो सकता है, ठीक है, इस पर नहीं जानिएगा, जो एक्चुअल ज्योमेट्रिकल रूल है उससे फॉलो कीजिएगा। तो जानते हैं कि 90 एंगल के सामने जो भी साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह भी ट्रायंगल चलेंगे डीबीसी में, तो ट्रायंगल डीबीसी में डीबीसी में क्या हो जाएगा बीसी स्क्वायर, तो बीसी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है, इसे इक्वेशन से मान लेते हैं। अब आते हैं इस ये रिलेशन निकालने के बाद क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन क्या है, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस टू सी ए, ठीक है। तो या तो आप एल एच एस से चलिए या तो आप आर एच एस से चलिए, ठीक है, हम इस क्वेश्चन में एल एच एस से चलते हैं। तो ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, है ना, चलिए ए बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ए डी को आप चेंज कर सकते हैं, एस ए डी को, एस ए डी को आप क्या कर सकते हैं, यहां से ध्यान से देखिए, ए डी को, ए डी को आप क्या कर सकते हैं, ए डी बराबर एस सी प्लस सी डी, है ना, एस सी प्लस सी डी, ठीक है। यहां पर भी हम एस सी एस सी डी का रिलेशन आ रहा है या सी एस सी डी का भी, ठीक है, तो ए डी के जगह पर हम क्या लिख देंगे एस सी प्लस सी डी, ठीक है, तो ए डी स्क्वायर के जगह पर क्या हो जाएगा एस सी प्लस सी डी के दिन कॉल स्क्वायर, ठीक है। बी डी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, इस वजह से तो बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इसको रूट है, इसको रूट से तोड़ते हैं, एस सी स्क्वायर एस सी प्लस सी डी के होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा वो एस सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस टू एस सी इंटू सी डी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ठीक है। सी डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बच गया एस सी स्क्वायर प्लस टू सी ए इंटू सी डी प्लस बी सी स्क्वायर, क्या बच गया एस सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू सी ए इंटू सी डी, यही प्रूफ करना था, बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कही या एस सी स्क्वायर कही प्लस टू सी इंटू सी डी आर एच एस, ठीक है। अब आते हैं 21 का ही टू, 21 का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, एबीसी में ए जो है जो अधिक कोण है, ठीक है। तो अब इस डायग्राम को हम मिटा देते हैं, ठीक है, नाम भी मिटा देते हैं। तो हमें ट्रायंगल एबीसी बनाना जिसमें ए अधिक कोण और सीडी जो है बीए को बढ़ाए हुए भाग पर लंब है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी में ए अधिक कोण है, ठीक है, और जो बी डी है
सॉरी बीडी नहीं सीडी है, सीडी जो है बीए के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है, बीए के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है। इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, बीसी स्क्वायर बराबर, क्या प्रूफ करना है, बीसी स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर और प्लस टू ए बी इंटू एटी, टू ए बी इंटू एटी। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, ए जो है जो अधिक कोण है और क्या कह रहा है, सीडी जो बीए के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है, तो बीए अब ऊपर लेंगे तो यदि हम ऊपर ए लेंगे तो हमें इस डायग्राम को और ऊपर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर तो कोई स्पेस नहीं, तो ए हम यहां अलग रख लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, अब कंफ्यूजन होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, सीडी जो है बीए के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है। ठीक है, अब इसको बताते हैं, बीए बीए को बढ़ाते हैं, ठीक है, सी से डी लैम्डा देते हैं, डी हो गया ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्मिंग है। ठीक है, चलिए अब यहां पर कौन कौन ट्रायंगल बन रहा है, एक ए ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, एक ए और एक ए। ठीक है, तो एक ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सी डी ए, ट्रायंगल किसमें, सी डी ए, सी डी ए, सी डी ए, तो सी डी ए में क्या आएगा, ठीक है, तो ट्रायंगल सी डी ए में सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बाबू, सी डी ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, सी डी बी में, दूसरा ट्रायंगल सी डी बी में, सी डी बी में ये क्या हो जाएगा, सी बी, सीबी का ही है बीसी का ही, बीसी स्क्वायर क्या आ जाएगा, सीडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन क्या है, बीसी स्क्वायर और ए हम प्रूव करना, तो आप ए लेते हैं चले या तो आर एच एस से चले। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम किससे चले थे, एल एच एस से चलते, इसमें हम आर एच एस से चलते हैं। ठीक है, तो आर एच एस में आपको क्या है बोलो, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 2ab into ad, ठीक है, चलिए तो ab स्क्वायर क्या गया, ab स्क्वायर प्लस ca स्क्वायर प्लस 2ab into ad है। ठीक है, चलिए तो हमें क्या करना है बाबू, bc स्क्वायर की फिर से यहां से अपन ध्यान से देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्या है ab स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर क्या है 2ab into ad, तो ध्यान से देखने पर क्या हम ab को यदि हम स्क्वायर में से तोड़ना चाहें, एक हम कर सकते हैं क्या, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू ए डी प्लस ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ठीक है, क्या कर दिए, प्लस ए डी स्क्वायर कर दिया और माइनस ए डी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू ए डी प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के दिवस में टूट जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, ए बी प्लस ए डी के दी होल स्क्वायर प्लस एक बचेंगे सी ए स्क्वायर और एक क्या हो जाएगा माइनस ए डी स्क्वायर। ठीक है, ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी क्या है बाबू, ए बी प्लस ए डी क्या पूरा निकल जाएगा, बी डी स्क्वायर निकल जाएगा। तो हम ए बी प्लस ए डी को हम क्या लिख देंगे, बी डी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, सी ए स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर ना आ गया आपको, सी ए स्क्वायर के जगह पर क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम रखते हैं क्या, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कट जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर कौन है बाबू, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर है बी सी स्क्वायर, एल एच एस रूट हो गया।